गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर मोमोज की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो पनीर मोमोज वो भी मैं कढ़ाई में बनाकर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी स्टीमर नहीं है। तो जिनके पास स्टीमर नहीं है वो कढ़ाई पर भी मोमोज बिल्कुल स्टीमर के मोमोज जैसे ही बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने पनीर भी घर पर ही बनाया है। पनीर का अगर आपको वीडियो देखना है कि पनीर घर पर कैसे बनाते हैं, तो उसको मैं आई बटन में लगा दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। पनीर बनाना भी बहुत आसान है। पनीर घर पर ही बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। अभी मार्केट का पनीर ना लें, क्योंकि दूध दूध तो ऐसी चीज़ है कि दूध को लेकर के हम उसको पका सकते हैं, तो उससे बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा सब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दूध सेफ है। तो चलिए किचन पे चलते हैं और मैं बताती हूँ कि पनीर मोमोज कैसे बनाना है। सबसे पहले मोमोज की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी पीस करके पेस्ट बना सकते हैं। अब मैं यहाँ प्याज ले रही हूँ, प्याज को भी चॉप कर लूँगी। बिल्कुल महीन चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज और पत्ता गोभी को भी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा पत्ता गोभी लिया था। अब मैंने यहाँ पनीर लिया है, पनीर को भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और मैंने ये पनीर घर पे ही बनाया है। इसका वीडियो मैंने आई बटन पे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पनीर कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे सब चॉप हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें प्याज डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और इसमें थोड़ा सा अब नमक ऐड करूँगी। नमक इसी टाइम ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऐड करने से जल्दी से प्याज भुन जाती है। तो मैंने नमक ऐड कर दिया, इसको फिर चला देंगे। अब इसमें मैं पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ। ये सब सब्जियाँ बहुत ही महीन होनी चाहिए। अब मैं यहाँ ब्लैक पेपर ले रही हूँ, एक टीस्पून डाल दिया है। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, इसका पानी सूखना नहीं चाहिए, सब्जियों का पानी सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा बिल्कुल सूखा सूखा बनेगा मोमोस, तो अच्छा नहीं लगता है, जूसी होना चाहिए। अब इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर ऐड करने के बाद बहुत देर तक कढ़ाई को आँच पर नहीं रखना है, बस इसको मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे और हमारा मोमोज स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब हम मोमोज की पूड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो कटोरी मैदा लिया है, मैदे को छलनी से चाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। इसमें मैं 2 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को पूरे मैदे में बहुत अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को सानेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। आटे को नरम सानना है, टाइट नहीं सानना, जैसे रोटी का आटा होता है, तो उस तरह हमको आटा तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके आटे को अच्छे से नरम कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब पटे में थोड़ा सा घी लगा करके
आटे से छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। और जो पूड़ी बनाएंगे हम उसमें परथन बिल्कुल नहीं लगाना है, उसी घी को, घी की हेल्प से हमको पूड़ी बनाना है। ये देखिए अब हम यहाँ पूड़ी बना रहे हैं। अब पूड़ी बन जाएगी तो इसमें हम एक चम्मच के करीबन जो बनाई थी स्टफिंग वो रख देंगे। पूड़ी के चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से पानी लगा करके, जैसे साड़ी की चुन्नट बनाते हैं वैसे हम ये चुन्नट बनाते हुए चारों तरफ घुमाते हुए मोमोज को एक साथ एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए मोदक की तरह मोमोज बना लेंगे। स्टफिंग को अंदर करते जाएंगे, बाहर नहीं आनी चाहिए स्टफिंग। ये इस तरह इसको बहुत अच्छे से चिपकाना है, मोमोज की जो परत है वो खुलना नहीं चाहिए, ये तो पूरा फैल जाएगा। अब मैं यहाँ दूसरा मोमोज भी आपको बनाकर बता रही हूँ कैसे बनाना है। पानी बहुत अच्छे से लगाकर ऐसे चारों तरफ मोमोज को घुमाते जाएंगे तो इजी हो जाता है। ये देखिए हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं, और ये जो ऊपर का है इसको बहुत अच्छे से चिपका देंगे, खुलना नहीं चाहिए। ये हमारे एक बैच का मोमोज तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसको ढक करके पानी जब तक उबल रहा है तब तक हम एक थाली में थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीसिंग कर देंगे और जो अभी हमने मोमोज बनाए थे उन सबको थाली पर रख देंगे। हमने रख दिया है, ये पानी उबलने लगा है तब इसमें हम ये मोमोज रखी हुई थाली कढ़ाई के अंदर रख देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे। अब हम 10 मिनट के बाद ओपन करेंगे ढक्कन को, तो देखिए हमारे मोमोज तैयार हैं। पूरी बहुत पतली बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी है। अब हमारा दूसरा बैच रख गया है, ये मैंने थोड़े बड़े मोमोज बनाए हैं। 10 मिनट बाद ढक्कन को खोला, ये मोमोज रेडी। देखिए फूल करके थोड़ा सा बड़े और दिखने लगे हैं। तो हमारे ऐसे सारे पनीर मोमोज रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।